व्यापारी को क्या चाहिए, व्यापारी को सेब चाहिए, तो सेब वो कश्मीर से लेकर आता था, अब उसको आजादपुर मंडी में मिलेगा, लाने का काम सरकार कर रही है, तो मुझे लगता है उसमें कोई दिक्कत तो आनी नहीं है, इसमें तो व्यापारियों को भी फायदा है। नेफेड के कश्मीर घाटी में किसानों से सेब खरीदने से कारोबारियों को फायदा होने का ये दावा अपनी जगह पर है, लेकिन सेब कारोबार में नेफेड की इस दखल से सेब बागवानों और कारोबारियों के बीच दशकों से बना तालमेल चरमराने का खतरा खड़ा हो गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सेब उगाने वाले किसान फसल तैयार होने से पहले खाद, दवा, बारदाने और मजदूरी जैसे अपने तमाम खर्च के लिए व्यापारियों से पैसे लेते हैं और बाद में उन्हें फसल देकर हिसाब चुकता कर देते हैं, लेकिन नेफेड की ओर से किसानों से सीधे खरीद किए जाने से व्यापारियों को अपना पैसा फंसने और घाटा होने का डर सता रहा है। ट्रेडर जो है वो हम अगर मंडी में बैठे हैं, हमारी मंडी खुली है, हमारे खर्चे चल रहे हैं, वो हमारी दुकानें खुली हैं, हमारे मुंशी भी तनख्वाह ले रहे हैं, हमारे जो मुलाजिम हैं वो तनख्वाह ले रहे हैं, हमारे घर के खर्चे भी चल रहे हैं, लेकिन जो माल आ रहा है वो माल नहीं आ रहा है, तो जो ग्रोवर है उसको घर बैठे ही उनको पैसे उनके अकाउंट में चले जाएंगे, तो हमारे रुपये की जो है ये जिम्मेवार कौन है। अकेले दिल्ली के 350 से ज्यादा व्यापारियों ने कश्मीर के सेब किसानों को 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा एडवांस दे रखा है। इसके अलावा जम्मू मंडी में भी 125 ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने यहां के किसानों को तकरीबन 250 करोड़ रुपए दिए हुए हैं। यही वजह है कि व्यापारी सरकार से बागवानों और व्यापारियों के बीच संपर्क और पहले की तरह कारोबार बहाल करने के लिए कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। से यही रिक्वेस्ट थी कि अगर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि वो सिक्योरिटी एंड ट्रांसपोर्ट दोनों चीज़ें, ताकि वो टाइम पर माल उतार के और आगे मंडियों में फॉरवर्ड कर सकें। जम्मू मंडी में इस वक्त अराइवल बहुत कम है। ये अपील करना चाहते हैं कि इसमें केंद्र सरकार भी और हमारे यहाँ की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसका संज्ञान ले, ताकि हमारे व्यापारी जैसे पहले कारोबार करते थे, क्योंकि हालात इस वक्त ऐसे हैं कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो इसमें बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा है। देश में कुल सेब उत्पादन में कश्मीर की हिस्सेदारी लगभग 70% है। इसमें से दिल्ली के व्यापारी हर साल 3000 करोड़ रुपए का सेब खरीदते हैं। ऐसे में नेफेड की दखल के बाद व्यापारियों को सेब कारोबार पर घाटे के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। जम्मू से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।